नमस्कार भाइयों, राम राम। सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल धाकड़ फार्मा बेट पेट में। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ धाकड़ फार्मा बेट पेट को सब्सक्राइब कर लें, ऑल बेला वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरी तरह एकदम सही तरीके से देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आज की वीडियो की चलो शुरुआत करते हैं। आज की जो वीडियो है वो इसके ऊपर बनी है कि 51 भैंस एवं 51 जो पशु है अपना, उसको डीवॉर्मिंग यानी पेट के कीटाणु की टेबलेट दें या ना दें, या जो बिन 51 जो ब्याना होता है बिना बच्चे 51 उसको कौन सी दें, मतलब इन दोनों का डिफरेंट आज मैं आपको क्लियर करूंगा। मैं कहना चाहता हूं, एक भाई थे बिहार से, उनका कॉल आया था कि सर हमारी जो गाय है वो प्रेग्नेंट है, 51 है, तो सर हम उसको डिवॉर्मिंग की टेबलेट दें या ना दें पेट के कीटाणु की। तो वो बोल, मैंने बताया था उनको कि फेलवंडा जोल के नाम से साल्ट है उसका, पैनाक और बोलस आती है, कई तरह की बोलस एलवी फैन आती है, मतलब कई तरह की बोलस आती है, तो आप उसको दे सकते हो। तो उनका कहना था कि सर आप कह रहे हो हमारे यहाँ डॉक्टर हैं उनने मना कर दिया 51 पशु को बोलस नहीं दी जाती, तो उसी का वहम मैं आज दूर करूंगा। बिहार में जितने भी लोग हैं इस वीडियो को ध्यान से देखें, जो डॉक्टर कहिए वो भी ध्यान से देखें, ऐसा कृपया करके ना देखें जिससे कहीं और बीमारी फैल सकती है, दिक्कत बच्चा फेंकने में भी आ जाती है, ज़्यादा बीमारी हो जाएगी। तो आप जैसे कि स्क्रीन में सामने देख रहे होगे फेलवंडा जॉल पैनाकोर बॉलस 3 ग्राम की, यह जो फेलवंडा जॉल है मैं आज इसको क्लियर कर देता हूँ। ये फेलवंडा जॉल जो साल्ट है वो 51 पशु के लिए बनाया गया है, इसको आप बिना 51 को 51 को दोनों को दे सकते हो। और ये पैनाकोर जो बॉलस मैं बता रहा हूँ ये MSD कंपनी की है, ये लगभग 65 या 70 रुपये के पास पड़ेगी, अच्छा रिजल्ट है इसका। और भी कई तरह की आती हैं, मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आप इसको दे सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो पैनाकोर। अब मैं बात करूँगा एलवंडल जॉल के ऊपर। एलवंडल जॉल जो बॉलस है आप देख रहे हो बैटमैन काइंड कंपनी की है, बेंडी काइंड 3 ग्राम की एलवंडल जॉल। जो एलवंडल जॉल जो आप जो साल्ट देख रहे हो ऊपर, जैप 51 पशु को कतई ना दें, इससे आपके बच्चे फेंकने की, गाय का बच्चा या भैंस का बच्चा है जो भी है कोई भी पशु हो उसका बच्चा फेंकने की जो प्रक्रिया वो जल्दी हो जाएगी, बच्चा फेंक सकती है कभी भी, इसलिए इसको यूज ना करें एलवंडल जॉल को। एलवंडल जॉल साल्ट खाली बिन 51 पशु के लिए है, अभी भी कहता हूँ बिन 51 पशु के लिए है, और जो डीवॉर्मिंग है वो 3 महीने 3 मंथ्स इन 1 टेबलेट 1 बॉलस, 3 महीने में 1 बॉलस दी जाती है आपको, 3 महीने बाद ही ये फिर दोबारा से रिपीट करनी है। तो आप जैसा कि देख रहे हो अब मैं दोबारा से ही बता रहा हूँ, फेलवंडल जॉल जो बॉलस है वो है 51 पशु के लिए दी जाती है पैनाकोर 3 ग्राम। तो मैं यही जानकारी के लिए वीडियो बनाई थी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों को धन्यवाद, मेरा राम राम।